तो बरसात और धूप के जद्दोजहद के बाद फाइनली धूप निकली है अच्छी खासी। आई होप ये ऐसा ही रहे। आज का जो टूरिंग है ये हमारा शिमला में डे टू है। आज का जो हम लोगों का टूरिंग है वो है जाकू टेंपल। जाकू टेंपल से हम लोग जरा बैग मेरा पड़ गया है वो रिपेयर करना है, और ISBT का जो बस स्टैंड है मनाली जाने का उसके बारे में ज़रा जानकारी करना है, हो सके तो बुकिंग भी करना है। चलो देखते। ये देखो ये हल्का सा क्लाउड दिख रहा है आपको। तो आज हमारे साथ है कल के ही पुराने इंसान जो हमारे साथ HPDDC में थे। हम लोग आज साथ में जाकू टेंपल जाने वाले। वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा एक गणेश जी का हनुमान है का हनुमान जी का एक मूर्ति दिख रहा होगा ऊपर, वहीं पे जाएंगे। लेकिन ये रुके थे इधर CPWD में ग्रैंड होटल में, और अभी नाश्ता करने जा रहे हैं हम लोग। तो नाश्ता हम लोग एक साथ करें तो ये हमको लेने आए थे CDS कैंटीन से, हमको ऊपर तक लेने आए थे। थैंक यू। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर आपको सस्ते में अच्छा नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, वट एवर, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सफ़र हो, जो भी है, वो कहाँ मिलेगा। ये रास्ता तो आप पहचान लो सबसे पहली बात। एक जाती है लोअर बाज़ार को, एक जाती है अपना मॉल रोड को, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको इस तरफ जाना है, मैं नीचे जाके आपसे बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मुंशी कॉरपोरेशन है KG चौक वाला, KG चौक, ये इधर जाता है, इधर नहीं जाना है, ये बाजू में जो पतली रास्ता है यहाँ से जाना है। ये जो जगह है जहाँ पर ये खाना मिलता है वो है CDS कैंटीन, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को CDS कैंटीन पता नहीं है, और है भी तो लोकलाइट्स बताते नहीं है, थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है क्योंकि उनको भी अपना धंधा करना होता है, ठीक है ना। तो ये CDS कैंटीन में हम लोग आज जाएंगे, ये हमको लेने आए थे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इनको पता था, इन्हें बताया गया था, इन्होंने YouTube भी देखा था एक, तो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी ये जानकारी दे देता हूँ आपको। तो आपको ऐसा ही रास्ता आएगा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का भी। ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन वाला ना, ठीक है। यही है, और यहाँ से आप जब उतर के आएंगे, ये BSNL दिख रहा है ना, यहाँ से सीधे नीचे उतर के आना है आपको। आके यहाँ से एक सीढ़ी आती है नीचे, ये सीढ़ी से आपको जाना है। चलिए आप काफ़ी ऊपर आए थे, हाँ हमारे लिए थैंक यू। ये देखिए ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन बिल्डिंग सब जगह से दिखता है लेकिन यहीं पर नाश्ता मिलता है पता नहीं रहता किसी को, इसके पीछे साइड में मिलता है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। रोटी 6 रुपए की है CSG कैंटीन में, पार्सल भी देते हैं। 12 पीस का एक चिकन हांडी, चिकन कढ़ाई 400 रुपए में। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का CSD कैंटीन होता है ना वो भी है यहाँ पर, डिफेंस के लिए। लेकिन और सबसे बढ़िया बात है कि नाम CSG कैंटीन है लेकिन बाहर वाले भी खाने को आ सकते हैं। ये सेंट माइकल्स कैथेड्रल, ये चर्च याद रखिए, हाँ वो उस गली में है, सेंट माइकल्स कैथेड्रल कैथलिक चर्च, यहीं पर है CSD कैंटीन। थोड़ा यहाँ पर आके आप पूछ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, काफ़ी सुंदर चर्च है ये। चलिए ये लोग उतर रहे हैं अभी भी। नीचे आना है आपको चर्च से, चर्च से नीचे आ गए तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा आपको। चलिए बताता हूँ मैं आपको इसके आगे कि शिमला में सस्ते में खाना कहाँ खाना है, ठीक है।
यहाँ पर आपको एक यूको बैंक भी दिखेगा, तो इस यूको बैंक के बाजू से जाना है। तो आप लोग एक बार यूको से सीधा, यूको बैंक से सीधा आ गए ना, मैं वो रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आर्मी एरिया है, लेकिन उनसे परमिशन लिया है कि जो CSD कैंटीन है वो दिखा दो आपको। ऐसा एक दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे रास्ता है, ठीक है, ऐसा वहाँ से आए तो यहाँ पे अब CSD कैंटीन दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पे सब लोग मौजूद है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे है बेटा? खा पी रहे एकदम दबा के, सही है। तो ये छोटा सा CSD कैंटीन है जहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, नाश्ता, क्या क्या देते हैं आप सची? अच्छा, सामने इधर मेन्यू लगा के रखा है। तो देखिए, आपको अगर शिमला में सस्ते में खाना खाना है तो यहाँ पर आओ। टी, कॉफ़ी, बेवरेजेस, मैं स्लो मोशन में एक बार कर लेता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लेना। बेटा हटो, सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे पार्सल भी मिल जाएगा ना, पार्सल भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी है क्योंकि ये डिफेंस का है तो क्वालिटी अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर आप सस्ते में शिमला में खाना भरपेट खा सकते हैं। चलो, तो हम लोगों ने 3 पनीर पराठा ऑर्डर किया है, ठीक है। कलकत्ता, नाम क्या है? अक्षत। अक्षत, अच्छा, बोलो ना। अक्षत, अंशिका। अंशिका, अरे वाह, चलो। तो ये 2 और ये 3, इन दोनों तीनों की मस्त जमेगी। तो ये पराठा आ गया है गर्मा गर्म, एक कप पनीर पराठा। पनीर पराठा आधा भी कर दिया इसने, हम लोग सब टूट पड़े यहाँ पर, भूख लगी थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर एकदम लो रेट में खाना खा सकते हैं, ठीक है। चलो, कैंटीन से बाय बाय। गर्म पानी।